हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे मारुति सुजुकी विटारा ब्रीज़ा का, और जिसमें जो वेरिएंट आते हैं इसमें, इसके बारे में जान लेते हैं। और इसमें आपको LDI, VDI, ZDI और ZDI प्लस इसका टॉप वेरिएंट है जिसका रिव्यू करेंगे। ZDI वेरिएंट है ये, हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए हैं इसमें, डिफोगर के साथ रियर वाइपर भी दिया गया है इसमें, एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। विटारा ब्रीजा गाड़ी है, उसकी बेजिंग क्रोम की प्लेट दी गई है और डुअल पार्टीशन में दिए गए हैं टेल लैंप, और ये आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं रियर बम्परों पे। पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं इसमें, रियर बम्परों पे देखने को मिलेंगे। टोटल 3 टोन में दिया गया है आपको रियर बम्पर। दूसरी साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की, दूसरी साइड से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। बात करेंगे इसके डायमेंशन की, तो इसमें लेंथ है इसकी 3995 mm की, इसकी लेंथ है। विड्थ है 1790 mm की, हाइट है 1640 mm की। और बात करेंगे व्हील बेस है इसका 2500 mm का, इसका व्हील बेस। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी आपको इस गाड़ी में। बात करेंगे सस्पेंशनों की, तो फ्रंट सस्पेंशन आपको मैकफर्सन स्टड विथ कॉइल स्प्रिंग टाइप दिए गए हैं। रियर सस्पेंशन आपको टॉरिजन बीम टाइप मिलेंगे इसमें। बात करेंगे प्राइस की, तो इसका एक्शोरूम प्राइस है 8,97,000, इसका एक्शोरूम प्राइस है। अगर आप अभी गाड़ी लेते हैं तो आपको 96,000 का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि दिवाली ऑफर चल रहा है, तो 96,000 का आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप अभी गाड़ी लेते हैं। और इसका पेट्रोल वेरिएंट आपको 2019 के बाद ही मिलेगा, यानी 2020 तक ही आएगा इसका पेट्रोल वेरिएंट। सिल्वर कलर में आपको दो रूफ रेल दी गई है रूफ के ऊपर ही, और ये डोर हैंडल आपको बॉडी कलर दिए गए हैं। DDIS यानी डीजल गाड़ी है, तो आपको लोगो मिलेगा। इंडिकेटर आपको साइड मिरर पर नहीं मिलेंगे, फेंडर पे दिए गए हैं। बात करेंगे व्हीलों की, तो इसमें आपको 215, 60 और 16 यानी 16 इंचेस के व्हील दिए गए हैं। अलॉय व्हील मिलते हैं ब्लैक कलर के आपको इसमें, और इसमें आपको ट्यूबलेस रेडियल टायर दिए गए हैं। और ये फ्रंट लुक है गाड़ी की, फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। फ्रंट प्रोफाइल देख रहे हैं आप, विटारा ब्रीजा ZDI गाड़ी है, तो उसका फ्रंट लुक जिसमें कि आपको इसमें एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। मिनी SUV भी कहते हैं लोग इसको, विटारा ब्रीजा को मिनी SUV। प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं इसमें आपको, और साथ में ही इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं। फॉग लैंप नीचे दिया गया है, तो सेंटर में आपको इंडिकेटर एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ। अपर ग्रिलों पे क्रोम, लोअर ग्रिलों पे कोई क्रोम नहीं मिलेगा। और ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, बात करेंगे टर्निंग रेडियस की, तो 5.2 मीटर का टर्निंग रेडियस दिया गया है इसमें। बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको डुअल एयरबैग दिए गए हैं ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड, ABS विथ AVD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और इंजन इमोबलाइजर, सेंटर लॉकिंग दिया गया है इसमें डोर, और साथ में ही चाइल्ड सेफ्टी लॉक दिया गया है, और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट दिए गए हैं इसमें, रिवर्स पार्किंग सेंसर। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। बैक डोर खोल लेते हैं, बूट स्पेस देख लेते हैं कैसा बूट स्पेस आपको इसमें मिलता है। इसमें आपको रियर पार्सल ट्रे दी गई है, जो कि काफ़ी चौड़ी है, डुअल पार्टीशन में दी गई है रियर पार्सल ट्रे। और ये आपका स्पेयर व्हील, जो कि आपको इसमें नॉर्मल दिया गया है, यानी अलॉय व्हील नहीं मिलेगा ये आपका स्पेयर व्हील। 16 इंचिस का ही है ये स्पेयर व्हील, देखिए पांचों टायर का साइज सेम है इसमें। और ये आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और साथ में ही लगेज रूम लाइट भी दी गई है, सामान रख सकते हैं आप नाइट में भी, तो इसलिए लगेज रूम लाइट दी गई है। तो बहुत ही बढ़िया बूट स्पेस है, देखिए 328 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिलता है, 328 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। चलेंगे रियर डोर के इंटीरियर में, तो रियर डोर का इंटीरियर में आपको देखिए ये डोर ट्रिम है, जिसमें कि
आपको इनसाइड हैंडल क्रोम पे दिए गए हैं, कॉटन फिनिश दी गई है, पावर विंडो, बॉटल रखने का स्पेस, स्पीकर। और अपोस्ट्री की बात करेंगे तो पूरी ब्लैक अपोस्ट्री मिलती है आपको इस गाड़ी में, ऑल ब्लैक अपोस्ट्री दिखेगी। और सीटों के हेड आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी दिया गया है रियर पैसेंजर के लिए, देखिए। और साथ में ही दो कप होल्डर रखने का स्पेस भी दिया गया है, तो काफ़ी सहूलियत होगी रियर पैसेंजर को बैठने में। ये वाला डोर भी आपको क्रोम पे दिया गया है, इनसाइड हैंडल और बोतल रखने का स्पेस, साथ में स्पीकर, तो चारों डोरों पे आपको बोतल रखने का स्पेस दिया गया है इसमें। ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं, कुछ सामान कैरी भी दिया गया है इसमें लेफ्ट राइट में, देखिए। और ये रीडिंग लैंप दिया गया है सेंटर में, देखिए यहाँ पे। और फ्रंट सीटों के हेड आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं, फ्रंट सीटों के हेड एडजस्टेबल, बहुत ही बढ़िया लेगरूम है, लेगरूम की प्रॉब्लम आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगी। यहाँ पे बोतल रखने का स्पेस दिया गया है रियर पैसेंजर के लिए। जैसा कि मैं रियर पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ, तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक दे देता हूँ, कैसा लगता है आपको फ्रंट डैशबोर्ड देखने में। तो ये विटारा ब्रेज़ा ZDI गाड़ी का फ्रंट डैशबोर्ड का लुक देख रहे हैं आप, ऑल ब्लैक दिया गया है, अपोजिटी से मैच करता हुआ दिखेगा। आप चलते हैं फ्रंट डोर के इंटीरियर में। फ्रंट डोर का इंटीरियर देख रहे हैं अब, जिसमें कि डोर ट्रिम की बात करेंगे तो इनसाइड हैंडल क्रोम पे ग्रे फिनिश दी गई है, क्रोम के साथ आपको कॉटन फिनिश, चारों डोर पावर विंडो दिए गए हैं ऑटो के साथ, लॉक अनलॉक शीशों को भी लॉक कर सकते हैं, और साथ में ही बोर्ड रखने का स्पेस, साथ में स्पीकर। बात करेंगे ड्राइवर सीट की तो एडजस्टेबल, फोल्डेबल दोनों फीचर्स इसमें दिए गए हैं, दोनों फीचर्स दिए गए हैं। राइट साइड में एसी वेंट्स ब्लैक पियानो फिनिश के साथ मिलेंगे आपको, और ये आपको साइड मिरर को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कर सकते हैं, हेडलाइट लेवलिंग स्विचेस दिए गए हैं। बात करेंगे स्टीयरिंग व्हील की तो इसमें आपको ऑडियो कंट्रोल्स, फोनी कंट्रोल्स स्टीयरिंग व्हील पे दिए गए हैं, SRS एयरबैग, इसका मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ, थ्री स्पोक व्हील के साथ दिया गया है ये स्टीयरिंग व्हील। राइट साइड में हेडलाइट के, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और टिल्ट स्टीयरिंग दिया गया है इसमें, देखिए अपने हेड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। MID की बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया MID दी गई है इसमें, जो कि आपको टेम्परेचर बताएगी, किलोमीटर बताएगी, और कुछ वार्निंग लाइटें दी गई हैं, बहुत ही बढ़िया MID। और सेंटर में दो AC वेंट्स भी दिए गए हैं इसमें, देखिए। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इसमें CD प्ले कर सकते हैं आप, आसानी से CD प्ले कर सकते हैं, FM AM प्ले कर सकते हैं। नोवो पे क्रोम फिनिश दी गई है, और ऑटो AC दिया गया है इसमें, देखिए ऑटो AC मिलता है आपको। नीचे आएंगे तो USB ऑक्स के ऑप्शन दिए गए हैं, साथ में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है इसमें USB ऑक्स के ऑप्शन के साथ। तो बात करेंगे गियर लीवर की तो 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स के साथ ब्लैक पियानो फिनिश के साथ दिया गया है गियर लीवर, हैंड ब्रेक लीवर क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है, दो कप होल्डर रखने का स्पेस दिया गया है कंसोल पे ही, और ये आपको एक SRS एयर बैग और दिया गया है को ड्राइवर साइड, टोटल दो SRS एयर बैग दिए गए हैं, और ये स्टोरेज बॉक्स दिया गया है इसमें डैशबोर्ड पे, और यहाँ ग्लोव बॉक्स, दो स्टोरेज बॉक्स मिलते हैं आपको, एयर कूल्ड अपर वाला है, और ये इनसाइड हैंडल क्रोम पे दिए गए हैं, कॉटन फिनिश, पावर विंडो, बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, साथ में स्पीकर, बोतल रखने का स्पेस चारों डोरों पे मिलता है आपको इसमें। फ्रंट में सनवाइजर दिया गया है, साथ में ही डुअल पार्टीशन में रीडिंग लैंप, ब्लूटूथ माइक भी दिया गया है साथ में, और ये सनग्लास बॉक्स दिया गया है इसमें, देखिए। तो इसमें सनग्लास रख सकते हैं आप अपने, और डुअल पार्टीशन में रीडिंग लैंप के साथ ब्लूटूथ माइक दिया गया है, और ये IRVM डे नाइट दिया गया है इसमें, कोड्राइवर साइड सनवाइजर मॉनिटरिंग मिरर के साथ दिया गया है, साथ में ही ग्रिप असिस्टेंट। हुड खोल लेते हैं, चलते हैं इंजन रूम में, हुड खोलने का ऑप्शन यहीं दिया गया है, दोनों की आपको इसमें रिमोट मिलती है, लॉक अनलॉक कर सकते हैं गाड़ी को आप। चलते हैं इंजन रूम में, तो इसमें आपको जैसा कि सेफ्टी फीचर्स में ABS यहाँ पे दिया गया है, इंजन रूम में ही दिया गया है,
सुजुकी की गाड़ी है, तो आप उसका ब्रांड मिलेगा देखने को। और इनसाइड हुड के इनसाइड एक कवर दिया गया है जो कि इंजन के वाइब्रेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है, यानी बाहर आने नहीं देता, आप समझ गए होंगे। और बात करेंगे अब इंजन सीसी की, तो इसमें आपको 1248 सीसी का इंजन दिया गया है। बात करेंगे पावर की, तो 88 bhp की पावर मिलेगी आपको 4000 rpm पे। अगर हम टॉर्क की बात करें, 200 Nm की टॉर्क मिलेगी 1750 rpm पे। सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ा ZDI वेरिएंट का रिव्यू, आपने देखा ये रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं जरूर फॉलो करें। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।